कर दिया मोरी ऐसी चुनर रंगे अहे रंग डारी मोरी ऐसी चुनर रंग डारी गरे गरे सारे सारे सानी दानी दानी का सदा यार जब्बी आज फिर जीत गया तू। आई एम श्योर तू एक दिन जरूर जेम्स बॉन्ड बनेगा, दुनिया का पहला सरदार जेम्स बॉन्ड। ओ यारा ये तू विदेशी गिटारा बेच क्यों नहीं देता? मेरी मान एक अच्छी सी इंडियन गाड़ी ले ले, वैसे भी अंग्रेज चले गए वारिस यहीं छोड़ गए। ओ अजय ये विदेशी चीजें और विदेशी लोग कभी किसी के हुए हैं क्या है? हो गया तेरा लेक्चर, अब चले चल चल। बनाने के चक्कर में बेचारे के घट और गए हैं। ओ कोई गल नहीं यार, तू चिंता मत कर, तू बस लगा रह, बन जाएंगे। मुझे देख, मैं डोला बनाना चाहता था, डोले तो बने नहीं, बस गोला सा बन के रह गया। बस नाम कही भीम सिंह चड्डा, पर मैं क्या, कोई गाल नहीं, नहीं बना तो क्या हुआ, दुनिया के बनाएंगे, इसलिए तो ये जिम खोल दिया टेच करके हैं। और डॉले शॉले तो चाचा जी मुझे बनाने पड़ेंगे, सुपर कॉप जो बना है। और जरूर बनेगा काके, जरूर बनेगा। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, डोले ना खड़े खड़े नहीं बनते है ना, वर्कआउट करना पड़ता है ना, करेगा वर्कआउट? चले ठीक है चाचा जी। और बहन जी आज संभाल के तोड़ नहीं देना है, हाँ प्लीज। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हेलो जी, गुड मॉर्निंग है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। क्या बात है, आप मुझे अटेंशन ही नहीं देते जी। टेंशन? मतलब? मतलब आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते जी। ध्यान? देखो ना, एक महीना हो गया मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। अच्छा वो नहीं जी, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बस लगे रहो। और कभी कभी ना किसी का लेट काम होता है ना, आप लगे रहो। हाँ जी। वजन कम ही होता कहती है, माउंट एवरेस्ट कहेंगे, इसका वजन तो कम होगा नहीं, मेरी मशीनें कम हो जाएंगी। ओके गए। May I help you, Miss? रूपिका। रूपिका, very nice name. बस suit करता है जी आप पे। Yeah, I know. वैसे मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है जी? क्यों बे, लग गई तेरी? अरे तुम मेरी छोड़, अपनी बता, तेरी वाली कब आएगी? आती होगी, तू चल यार। अजय ले आ गई तेरी उड़न परी। हे जब्बी। हेलो सलोनी जी, आ गए हो? हे हाय। हाय, इतनी सोनी स्माइल को जब्बी सिंह को देती ना तो जब्बी सिंह की लाइफ ना बन जाती यार। अजय मुझे तो लगता है ये तुझे प्यार करती है।
मुझे पता नहीं यार। हड़ताल पे गया यार तेरा दिमाग, उसकी आंखों में नहीं देखा। सिंगल पीस है, बोल दे टकाटक। वही तो नहीं होता यार, लेकिन एक दिन बोलूंगा जरूर। कब बोलेगा? जब टाइम निकल जाएगा, फिर मामा बनके ना उसके बच्चों को खिलाते रहियो। आए हाय, अरे यार मैं तो चला, कहीं तेरे चक्कर में मैं भी मामा ना बन जाऊं। अब तू कहां चल दिया? कॉलेज में मिलेंगे यार, ये नहीं सुधरेगा। हेलो, हाउ आर यू जी? आई एम गुड। आप डिस्क जाती हैं जी? नो, नेवर, I don't like to go there. लो जी लो, ये तो कमाल होगी। मैं भी डिस्क नहीं जाता जी। वैसे हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं जी? Oh really? मूवी देखने के बारे में आपका क्या ख्याल है जी? मूवी? By the way, कौन सी मूवी? Spider-Man जी, 1 or 2 PVR में दोनों लगी हैं, back to back दोनों ही देख डालेंगे। You are actually a jerk. Oh, I like Spider-Man. मुझे भी ले चलो ना प्लीज। लो, यू गॉट योर कंपनी, कैरी ऑन। वो तो गई, हम दोनों भी चले क्या? ओ ठहर जा, लेके जाना तेनू साला, जिथे देखो उथे पीछे आ जांदा। चल बजा, ओ लिसन, ओ लिसन। कैसे मैं कहूँ तुझे है जिंदगी तेरे लिए, hey, listen, listen, just one thing, something locha है, listen, listen, just one thing, something locha है, मेरे बारे में सनम क्या तुमने सोचा है, मेरे बारे में सनम क्या तुमने सोचा है, listen, listen, just one thing, something locha है, listen, listen, just one thing, something locha है। छोटी छोटी बात पर यूं होते नहीं खफा, टूटा कोई तारा तो बस मांगे यही दुआ, मिले तो मुझे मिले ना हो शक वे गिले, रूठ के मुझे ना दे सजा, listen listen just one thing, something locha है, listen, listen, just one thing, something locha है, मेरे बारे में सनम क्या तुमने सोचा है, मेरे बारे में सनम क्या तुमने सोचा है। ओए पॉपकॉर्न के बच्चे, आज फिर तेरी चाय में मक्खी हुए। ओ पिलो पिलो पाजी, मक्खी के पैसे नहीं लगेंगे भाई बहुत, और वैसे भी 5 रुपए की चाय में मक्खी नहीं मिलेगी तो क्या मुर्गी मिलेगी? पक 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 पक। ओ ठहर जा प्यो दा पुत्र, दादा मैं तेन हुणे। बैठ यार, तू भी खा मखा उलसता उससे, दूसरी मंगा ले। ए पॉपकॉर्न, इसको एक चाय ला के दे यार, और हाँ इस बार बिना मक्खी के लाना। वो अब तू भी यार। अबे वो पॉपकॉर्न, इलायची वाली चाय ला, बहरा हो गया क्या? लाया साहब लाया। तो ये क्या कर रही है? की माग की हरामी है। आज आपको स्पेशल इलायची वाली चाय पिलाऊंगा। देख छोड़ना यार। अच्छा ये बता, अपना वो गुरु घंटाल कहाँ है? और यही कहीं बैठा ना, अपने ज्ञान का घंटा बजा रहा होगा, मतलब ज्ञान बांट रहा होगा। संन्यास का मतलब संसार त्यागना नहीं है, बल्कि संसार में रहके संसारिक वस्तुओं का उपयोग करके समस्त संसार को संसारिकता का पाठ पढ़ाना है। कुछ समझी?
यही यही तो तुम्हारे अधूरे ज्ञान की पहचान है कन्या। तो तू उसे पूरे ज्ञान की ट्यूशन क्यों नहीं दे देता मेरे भाई? अबे साले तू भविष्य निर्माण यानी करियर प्लानिंग, इस चीज को लेकर कोई मजाक नहीं। कर्म के प्रति ईमानदार होना ही एक असली इंसान की पहचान है यार, वरना सब जानवर है गुरु, सब जानवर है। और मेरी तो कुंडली में लिखा है कि मेरा मंगल भारी है और मुझे तो साधु बनना ही है। पर पता नहीं यार, तेरा भविष्य ना भगवान ने किस चीज से लिखा है, ये ले। पर ये कैसा करियर है यार? देख गुरु, काम ऐसा हो कि कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम ही आराम हो, साथ में सारी सुख सुविधाएं, और साला सारे अपने आगे सर झुकाए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेसमैन, सबके कष्टों का निदान करेगा ये निदान पंडित। ना कोई दुख ना कोई चिंता, है कोई इससे बढ़िया करियर? अबे बंद करो सालो, तुम लोगों की ये करियर प्लानिंग की बातें सुनकर ना मुझे टेंशन से भूख लग जाती है। चलो छड्डो यार, कहीं बाहर चलते हैं। क्या हुआ अजय, तेरा मूड क्यों खराब है यार? कुछ नहीं यार, लेडी हिटलर का फोन आया था क्या? लेडी हिटलर? अरे इसकी माँ यार, अब क्या कह रही है वो? यही हाँ। कि मैं भी उन्हीं की तरह इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं। मतलब? अरे मतलब ये यार कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं। ओए नमूने, इधर आ। चल 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 के देखते चल चल। कॉलेज में क्या तमाशा बनाया हुआ है? ओए ओए जोकर, हाँ तू इधर आ। तू अपनी पैकिंग कहां से कराता है? 40 किलो की तेरी बॉडी 200 किलो की बोरी में रैप करी हुई है। वाह साले, बाजार में कपड़े नहीं मिलते? ओए तुझे कहां खुजली हो रही है? हां मिटाऊं तेरी खुजली? हां क्यों, आजकल नया धंधा शुरू किया है खुजली मिटाने का? हट। कभी तो कुड़ियों वाली हरकत किया कर। क्या क्या कह रही थी तेरी बुलेट? कुछ नहीं यार, पेट्रोल मांग रही थी। पेट्रोल? चुप हो जा विभा, रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा, मत रो, चुप हो जा यार। क्या हुआ, समस्या कुछ गंभीर नजर आ रही है? ये पागल सुसाइड करने जा रही थी। सुसाइड? लेकिन क्यों विभा? तुम्हें तो पता है हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से फीस बढ़ा दी है, और ये बेचारी गरीब घर से है, 5,000 रुपए नहीं भर पाई तो इसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया, और ये हमारे कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यार। ऊपर से जब मैनेजर के पास गई तब उस कमीने ने इसके साथ क्या कहा? उस मैनेजर ने, हाँ मुझे बता क्या कहा? उसने इससे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को कहा। क्या कह रही है तू? मैं भी उस साले हरामजादे की हड्डियां तोड़ दूंगी। नहीं तुम सब लोग चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलो What is this? सर ये कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, इसे डिग्री की मंडी मत बनाइए। ये मैनेजमेंट का फैसला है, मेरा नहीं है। सर हम ये एजुकेशन लेने आते हैं, खरीदने नहीं। और ये कैसा बाजार है जहाँ पर टैलेंट की कोई कदर ही नहीं? कॉलेज भाषण से नहीं चलते मिस्टर निदान, इसे चलाने के लिए उसूलों की चमक नहीं सिक्कों की खनक की जरूरत होती है। महज 5,000 रुपए के लिए एक जिंदगी आपके मैनेजमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर इन 5,000 रुपए से किसी की जिंदगी बनती है तो ये बहुत सस्ता सौदा होगा। ठहरो अजय, आप यही रुकिए सर, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सिक्के ले आओ भाई, चलो। ए, ए, चिकने डालना। चलो शाबाश। सिक्के। ओए पॉपकॉर्न आया। मैंने भी पैसे बचा के रखे थे। ओ वाओ मेरे अशरा,
खुश की ताई। डाल डाल डाल, तू भी डाल। झप्पी जरा मैनेजर साहब को सिक्कों की खनक सुनाओ। शायद इतनी खनक काफी होगी मैनेजर साहब आपके कानों के लिए। क्या हमें अब विभा का एडमिट कार्ड मिल सकता है सर? आई एम सॉरी बच्चों, मैं भी मजबूर हूं। थैंक यू सर। ठहरो, अभी एक काम तो बाकी है। विभा, मैनेजर साहब से फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। इतना रिलेशन काफी होगा मिस्टर मैनेजर, अगर फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई हो तो जो बेटा जो एक मिनट जो मैनेजर साहब की सारी फिजिकल नीड्स पूरी कर देना। ओके ओके, चलो चलो मैनेजर साहब चले क्या? एक सुनो तो सही। क्या करता है? अरे देखो तो सही, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एक पप्पी तो दे दो। क्या करता है? हर बुलंदी को झूलेंगे एक दिन, ओ जिंदगी की हर बुलंदी को झूलेंगे एक दिन, आसमान जमीन पर ले आएंगे, कर दिखाएंगे ये मोमिन। सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, यहाँ एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन। सर मिली है हमने, हम हवाओं को इशारों पर नचाएंगे, जीते हैं कैसे हम ये घुट घुट जीने वालों को सिखाएंगे, रास्ते अपने खुद बनाएंगे, कर दिखाएंगे ये मुमकिन। सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, यहाँ एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन जीत लेंगे जहाँ, एक दिन। हम गहरे अंधेरों का देखेगी दुनिया, रूप ऐसा लेके आएंगे सवेरों का, हाथों की लकीरें सजाएंगे, कर दिखाएंगे ये मुमकिन। सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, यहाँ एक दिन जीत लेंगे जहाँ, जीत लेंगे जहाँ, जीत लेंगे जहाँ, एक दिन। ओफो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। 3 साल माँ, 3 सालों की मेहनत का फल बस कुछ ही देर में मिलने वाला है, तुम बस आशीर्वाद दो माँ।
ओके मॉम, आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, बाद में गुड न्यूज देने के लिए फोन करता हूँ, बाय मा। हे अजय। हे भविष्य, कैसा है यार? मैं ठीक हूँ, पहली बार कोई इंडियन ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू यार, चल मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ सीट। थैंक यू सर। हेलो, सो टुडे योर प्रोजेक्ट वाज रियली अप्रिशिएटेड, योर स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग्स आर आउटस्टैंडिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू असिस्ट मिस्टर वॉटसन इन दिस प्रोजेक्ट। व्हाट? असिस्ट? बट आई वाज सपोज्ड टू लीड दिस प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग इन दिस प्रोजेक्ट वाज डन बाय मी, नॉट वॉटसन। I personally want you to lead this project, but you know? Yeah, I know, sir. They don't want an Indian to lead them. Am I right, sir? I can just say sorry. I don't need any sympathy, sir. Thank you very much for making me realize that how fool I was. Goodbye to your job and your country. Hey, Ajay. Kya hua, yaar? Tu itna pareshan kyun hai? Hey, you. Any problem, Watson? You bloody people can be nothing more than an assistant. And you think you're going to be leading us here again? You better go back to your slums in India. साले छिले हुए मुर्गे, अगर मेरे देश के बारे में कुछ उल्टा बोला ना, तो तंदूर में भून के रख दूँगा. You bloody fucker! What did he say to me? Come on, tell me. What the hell did he say to me? Come on, tell me right now. Come on, tell me. What did he say to me? Come on. ये हमारे हुसैन साहब हैं. 100 private कंपनियाँ चलाते हैं. हाँ. आपका काम हो जाएगा गुरुजी, वो दोनों हाथों से निकल गए। ऑटो से निकल गए? कहाँ निकल गए? अगर किसी के सामने बक दिया उस गोरी ने तो अपना बना बनाया ये कारोबार खत्म हो जाएगा। क्या बात है महाराज, कौन गोरी? एक विदेशी महिला थी, आई थी दीक्षा लेने। उसके रूप सौंदर्य ने मन को जरा विचलित कर दिया। यह तो वाकई बड़ा नाजुक मामला है स्वामी जी। बड़ी मेहनत की है हमने, एक सिक्योरिटी गार्ड से स्वामी कामेशानंद बनने के इस लंबे सफर में कितना खून पसीना बहाना पड़ा है मुझे, पसीना खुद का और खून दूसरों का। अरे अरे रुक 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 रुक, महाराजा और पीछे ना देख रहा, इतनी गाड़ियां खड़ी। क्या हो गया हवलदार जी? हमारी तो ड्यूटी है, ला कागज दिखा। देख तो लो, एमएलए साहब की गड्डी है। अरे किसी की गाड़ी हो भाई, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। कागज निकाल, चल कागज दिखा, कागज दिखा। देख लो कागज वागज। अच्छा, भाई ये तेरा पोल्यूशन तो एक हफ्ता पहले खत्म हो गया, चालान कटेगा। अरे देख लो कहाँ ना एमएलए साहब की गाड़ी है। अरे भाई किसी की गाड़ी हो, नहीं मान रहा, साहब से बात कर। चल। हाँ जी, चला जा, सब एमपी एमएलए ही आवे जी चौराहे पे। ओ साहब जी, एक हफ्ते से पोल्यूशन खत्म है, ऊपर से एमएलए की गाड़ी बता रही है। यहाँ पर तो सब एमएलए मंत्रियों के रिश्तेदार ही आते हैं, अब हम रिश्तेदारियां निभाए या ड्यूटी बजाए? वैसे किस एमएलए की गाड़ी है? लेडी हिटलर की गाड़ी है साले, फांसी पर लटका देगी तुझे। अजय तू, वो यकीन नहीं होता यार, वो कदों आया ऑस्ट्रेलिया तो? बस अभी अभी। ओ झप्पी यार, एक झप्पी तो पाले। ओ झप्पी नहीं, इंस्पेक्टर दलजीत सिंह हो गया तेरा यार, हुण पा झप्पी। चल कहीं बैठ के चाय पीते हैं। मक्खी वाली। चल। हाँ भाई सुना कुछ। तू नहीं जानता यार झप्पी, तेरे को देख के दिल को कितना सुकून मिला है। नहीं तो उन गोरों के बीच रह के तो मैं सब कुछ भूल गया था। ओ तू फिकर ना कर यारा, अब तू अपनों के बीच में आ गया ना, सब याद आ जाएगा। लेकिन ये बता, तू आया कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए, मैं वो कंट्री और वो जॉब दोनों छोड़ आया हूँ। ये विदेशी लोग ना कभी अपने हुए हैं और ना कभी होंगे। पर तू ये बता, तू कैसे खाकी वर्दी का शिकार हो गया?
अरे तू तो जानता है मुझे सुपर कॉप बनने का कितना शौक था। आईपीएस हम क्लियर नहीं कर पाए, सब इंस्पेक्टर बन गए। सोचा इसी बहाने देश सेवा कर लेंगे। पर ये बता, वो अपना निदान कहाँ है? पिछले साल इन्हीं दिनों इंडिया गेट पे मिला था। हाँ। बता रहा था किसी बाबा से साधु बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तब से लेकर आज तक लॉस्ट प्रॉपर्टी है वो। ओ भाई कागज पूरे नहीं है, लाइसेंस है कोई नहीं। जाने दो साहब जी, ऐसे ही छोड़ दो तन्ने, ऐसे तो पूरा सरकारी खजाना ही खाली हो जाएगा। ला 500 के पत्ती कार्ड। अब पत्ती कार्ड नहीं दो देनी पड़ेंगे, एक में काम चल रहा है अभी। हाँ। काफी अच्छी हो रही है तेरी देश सेवा। देश सेवा कैसी देश सेवा यार, ये तो गुलामी से भी बदतर है। अब तो शर्म भी आने लगी है यार। शर्म? और तुझे? हाँ यार, पुलिस की नौकरी एक ऐसा काम है कि साला कोई भी कहीं भी आकर अपनी भड़ास निकालता है। ज्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो पटक दिया यहाँ रोड पर लाकर। सोचा था सुपर कॉप बनूंगा, क्राइम खत्म करूंगा, पर यहाँ तो ऑफिसर्स को हर रोज कमा कर देना पड़ता है यार। छोड़ यार, क्या सपने देखे थे और कहाँ आ गए। एनीवे, अभी मैं चलता हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है, बाय, टेक केयर। अरे हाँ, लेडी हिटलर को मेरा प्रणाम कहना। जी मैडम, इस बार महिला कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए था। जैन सर, जरा देख लीजिएगा। प्रणाम माँ। आ गए तुम बेटा? No, कैसे no, हो? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? No, ma. I really enjoyed it. Okay. तुम जाके जरा अंदर आराम करो, हम यहाँ से निपट के आते हैं। ठीक है माँ। आखिर कब तक चलेगी तुम्हारी ये मनमानी? देखो हमें एक बार बता दो ताकि हम तुम्हें बार बार यही चीज नहीं पूछें। वैसे भी अब तो विदेश में जाकर नौकरी करने की इच्छा तुम्हारी पूरी हो गई है। बाप ने इसलिए मनमानी की क्योंकि उन्हें सरकारी अहदे का घमंड था। तुम भी तो उन्हीं का खून हो, किसी की अच्छी बात मान कैसे लो? बाहर लोग हमारी इज्जत करते नहीं थकते और घर में अपनों से जिल्लत उठानी पड़ती है। भिंडी तो बड़ी टेस्टी बनी है माँ, जरा पास करो ना। ओ ग्रो बच्चे, हर बात को मजाक में उड़ाने की आदत हो गई है तुम्हारी, कम से कम अपने करियर को लेकर तो सीरियस हो जाओ। माँ मुझे अपने करियर के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना, मैं चाहता हूँ इन दिनों जो कुछ भी मेरे साथ बीता उसे भूल जाऊं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन जा रहा हूँ रिलैक्स करने के लिए। अजय, अजय खाना। हाँ अजय, कहाँ है तू? फोन का रिस्पॉन्स इतना लेट क्यों दिया? मूड खराब है नेटवर्क? ओ नहीं यार, मूड और नेटवर्क दोनों सही है, लेकिन आज तो कुछ और ही खराब है मेरे भाई। जल्दी से बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास। तू कुछ दिनों के लिए लीव ले ले और कल सुबह मुझे उसी ढाबे पर मिल, हम कुछ दिनों के लिए मनाली जा रहे हैं। क्या बात होगी, ऑस्ट्रेलिया से गे बनकर लौटा है क्या? सरदार के साथ हनीमून मनाएगा साले। अबे नहीं यार, अभी तक तो नॉर्मल हूँ। देख यार, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, वहीं चल के कुछ दिनों का ब्रेक लेंगे और आगे की लाइफ प्लान करेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे यार। और फिर तो अपनी भी आश हो जाएगी मेरे यारा। अब तू फोन रख, तेरा सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, अब तो मेरा कुछ बार बार निकलता जा रहा है। ओके बाय। अब जाके जान में जान आई यार। तू भी ना बस,
यार इस जगह को देखकर ना अपने पिंड की याद आ रही है। अरे हाँ, तेरे घर में सब कैसे हैं? की दसा यार, माँ बाप मेरी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे पंजाब में लड़की की तलाश जारी है, पर यार लड़की ही नहीं मिल रही। क्यों यार? हुण तू ही दस, व्याह साला हुण मैं मज नाल करावा? मज? ए मज की होंदा है? भरा मेरे भैंस भैंस। आई स्वर सच अ बिग प्रॉब्लम इन कंट्री, पर तू टेंशन ना ले यार, तेरे लड़की दिल्ली से एक्सपोर्ट करा देंगे। वाह, मिनिस्टर का बेटा है ना, कुछ भी कर सकता है। पर साले तूने हाथ नहीं धोए। ले भाई मेरे धो लिए, ले बस ले मर साले, वो क्या तू ही खा ले। ओए ओए ओए, उठ, पहुंच गए। की करता यार, ओ चल पाजी चल। झप्पी कितनी पीसफुल है जगह यार। सही कह रहे हैं यार, मजा आ गया, कमाल है यार। जिंदगी की हर बुलंदी को झूलेंगे एक दिन। अच्छा गाना है। अरे ओए, ये तो अपना गाना यार। अरे चल यार, चल 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 चल, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन। कमीने, काम ऐसा हो कि कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम ही आराम हो, और साथ में सारी सुख सुविधाएं, और लोग भी आपके सामने सर झुकाएं। कमीने, जी रहा है तू, तू ही जी रहा है सही मायनों में। काफी भटकने के बाद बस यही समझ में आया कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मोह माया भ्रम है, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि दूसरों के हिस्सों की ऐश सिर्फ उन्हें ही लूटनी होती है और कुछ नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो कईयों पर राज कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, धर्म के नाम पर लूट रहे हैं उन्हें। उनकी हर आज्ञा हमारे लिए इच्छा है और हमारी लालसा। चल बेटा, तू साधु तो नहीं बन पाया, लेकिन शायर जरूर बन गया है मेरा यार। वैसे आज भी इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी कोई जगह ना बची थी जहां वीराना ना हो, इसीलिए कमलेशानंद के आश्रम से भागने के बाद ग्लोरिया को लेके इस जंगल की रोशनी में चला आया। ग्लोरिया? Excuse me, may I help you? Hi, I'm Gloria. I'm from Scotland. Oh, come with me. परस्पर आत्माओं के मिलन से ही मनुष्य के मध्य आध्यात्मिक समन्वय स्थापित होता है। प्रणाम गुरुजी। सदा खुश रहो। उठो निदान। गुरुजी, ये ग्लोरिया है, स्कॉटलैंड से आई है अध्यात्म की तलाश में, आपसे दीक्षा लेना चाहती है। अभी हम थकान का अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, संध्या के समय अपने कक्ष में इनसे भेंट करेंगे, तब तक इन्हें अतिथि गृह में
विश्राम करने दें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। कम विद मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू स्पीक हिंदी? जी हाँ, इंडिया आने से पहले मैंने 3 साल तक हिंदी की शिक्षा ली। ओह, मतलब पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। आइए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपको शाम को आश्रम की सैर करवाता हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। आइए। कैसी लगी ये जगह? बहुत सुंदर है। आइए आगे चलते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। ओ ग्लोरिया, अपना आसन ग्रहण करो। मुझे ये प्रसन्नता है कि तुम्हें अध्यात्म में रुचि दिखाई। मुझे भी बड़ी इच्छा है सच जाने की। मुझे दीक्षा दीजिए गुरुजी। अपने नेत्र बंद करो। अब अपने भीतर के अंधकार में अध्यात्म के प्रकाश का अनुभव करो। अब शून्यता में स्वयं की अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो। आत्माओं के मिलन का द्वार हमारे शरीर में ही है, देह में ही है। आत्माओं के मिलन का प्रथम चरण है शरीर का मिलन। हमारी आत्मा जब तुम्हारी आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं होगा, हमारे शरीर का मिलन। आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? आओ ग्लोरिया, हमारी आत्मा का मिलन हो जाने दो। ये तो आपके धर्म में पाप है, आप धोओगी है, मैं सबको बता दूंगी। क्या हुआ ग्लोरिया, क्या हुआ? वो तुम्हारा गुरु ढोंगी है, उसने मेरे साथ। ये क्या है गुरुजी? विक्रमानंद, ले जाओ इसे और कमरे में ले जाकर बंद कर दो। दीक्षा तो मुझे देनी ही पड़ेगी इसे। चल यहाँ से। Help me, help me please. गुरुजी आप आश्रम के इन मामलों से दूर रहो बच्चे। पर ये तो आप अनुचित कर रहे हैं। वाह, उचित अनुचित का ज्ञान अब तुम मुझे दोगे? याद नहीं, हमने तुम्हें दीक्षा दी है, एक नाम दिया है, एक पहचान दिया है, वरना क्या अस्तित्व था तुम्हारा? जा अपना काम कर और इन मामलों से दूर रह। अब हमें यहां से निकलना होगा, चलो मेरे साथ। अरे आप, सही रास्ता मिल गया था आपको। हम भी भटकते भटकते सही जगह पहुंच ही गए। ग्लोरिया, ये अजय और जब्बी है। ओ,
आप दोनों के बारे में बहुत सुना है। आइए, बहुत रात हो गई है, आप लोग भी भोजन करके आराम कीजिए। हाँ जी, चलो जी। और यार, वैसे भी मेरे पेट में चूहों का वर्ल्ड कप ही चल रहा है यार। लेकिन बेटा, तू उस्ताद निकला, अपने रंग में रंग ही दिया उसे। कहाँ है यार, अपने रंग में रंग के कल स्कॉटलैंड जा रही है वो। तू उसे रोक क्यों नहीं लेता? मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता यार, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे आसानों के नीचे दबके वो अपना फैसला बदल दे। आज पहली बार मेरे दिल में ना तेरे लिए इज्जत वाली फीलिंग आ रही है, कमीने। लेकिन तू उसके जाने के बाद क्या करेगा यार? पता नहीं यार, लेकिन अकेला जरूर हो जाऊंगा। ओ साल्या, यारों के रहते तू अकेला हो जाएगा, तू हमारे साथ दिल्ली जाएगा। और ग्लोरिया को भी तो एयरपोर्ट छोड़ना है ना, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? तू और ग्लोरिया होटल जाके दिल्ली जाने की तैयारी करो। निदान, हाँ? तू चल मेरे नाल। लेकिन कहाँ? ओ कहाँ था पुत्र, तू उठ चल मेरे नाल। You seem to be influenced towards spirituality. Yeah, that's true. But ये मुझे मेरी मॉम से मिला। She also come to India, but few years back she expired. Oh. बहुत अकेली हो गई थी मैं, इसीलिए यहाँ spirituality की खोज में आ गई। पर यहाँ आकर निदान ने बताया था मुझे। So sorry for that. लेकिन आप लोग क्या करते हैं? ओ कुछ नहीं जी, असी तो बस ऐश करते हैं, और वो भी दूसरों के पैसों पर। अरे वो निदान का है यार। जिंदगी ओ हो जिंदगी। ये रहा अपना यार। अबे ये सब क्या है और किस लिए? अरे इसे पहले वाला निदान बना के लाया हूँ, अब लगता है ना कि मेरा यार वापस मिल गया। ब्यूटी। चलो 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 चलो, शाबाश चलो। और चल बीबी चलिए, आजा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तुम लोग जाके इसे एयरपोर्ट छोड़ाओ। क्यों? मैं इसे एयरपोर्ट नहीं छोड़ने जा सकता यार। तू भाड़ में जा झोपड़ी के, चल जप्पी। यार उड़ गई तेरी मीरा भाई, एक बार कोशिश तो करता उसको रोकने की। यार रोकना तो मैं भी चाहता था यार, लेकिन क्या करूं यार, तुम दोनों के हाथों में बहुत सूना सा लग रहा है यार, बहुत सूना लग रहा है यार। मैं कोई बात मैं उसके बिना नहीं जी सकता यार, नहीं जी सकता। You idiot! I kept waiting for you to speak up, but you never said anything. What do you think of yourself? You never ever asked me to stop once. वो कितना बोलती है यार, कोई जफी छपी पाओ यार। आओ जी आओ, ये आपके जफी सिंह का ग्रीव खाना। घर तो बहुत शानदार है यार तेरा। Not yet. We'll have to make it a house. अरे तू किस काम में लग गया बे आते ही? है एक जरूरी काम। अरे
मैं भी तो देखूं तेरा जरूरी काम। एक और हाथ है जो छूट गया है मेरे हाथों से, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। सलोनी हजारे का। ओ यार अजय, अब तक तू इसे भूला नहीं हो? अरे तेरी सलोनी तो बहुत मोटी होगी रे, और साथ में खूबसूरत भी। कंबल साले। अरे एक काम कर, उसके कॉलेज में जाके पता कर। हाँ, एलुमिनाई रिकॉर्ड्स तो होते हैं ना उसमें। हाँ I'm sorry but it's not possible. Okay, thank you. Thank you. तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ओके, बाय। अजय, तुम इतने सालों बाद। आई एम हैप्पी सलोनी कि इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें याद हूँ। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? करियर के पीछे भागते भागते न जाने कहाँ कहाँ तक भटकता रहा। जब आँख खुली तो पता चला मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस अपनी जिंदगी की तलाश में भागते भागते तुम्हारे पास आ गया। पर ये कैसे मुमकिन है? क्यों, शादी कर चुकी हो? किसी और से प्यार करती हो? लेस्बियन हो? अजय, आई नीड सम टाइम। वो आपकी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल कहाँ से? वो आगे बोनेट से। ओए ओ साले रुक। ओ तेरी, ओ रुक, ओ रुक, ओ रुक, तेरी। अरे यार, इसका चेहरा तो जान पहचान है यार। अरे ये तो पॉपकॉर्न है, अपना कंटीन बॉय। अरे हमारे तो पॉपकॉर्न है यार, ये तो नशे में है। चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब कैसा लग रहा है? ये सब क्या है पॉपकॉर्न? तू चोर बन गया यार? नहीं जब्बी बाजी, कसम से मैं चोर नहीं हूँ। मुझे उन लोगों ने भेजा था। किन लोगों ने? वे लोग कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करते हैं, वोटों के लिए स्टूडेंट्स को ड्रग्स की आदत डाल देते हैं। लेकिन तू उनके चक्कर में कैसे फंस गया? जबरदस्ती नशा दे देकर चोरी करवाते हैं। मना करो तो बहुत मारते हैं, भूखा भी रखते हैं। यार लोग कैसे इन मासूम स्टूडेंट्स को बर्बाद कर सकते हैं महज एक वोटों के लिए? और तेरा डिपार्टमेंट क्यों चुप है इस बारे में? सबनो पता है यार, पर पूरा डिपार्टमेंट हमारी ढिल्ली कानून व्यवस्था का शिकार है। व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? ओ ये शातिर लोग बड़ी चलाकी से इन मासूम बच्चों का यूज करते हैं अपराध में, और हम पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करते हैं, और ये लोग हमारी कमजोर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर जमानत पे छूट जाते हैं। फिर सालों साल मुकदमा चलता रहता है,
और अपराध ज्यों का त्यों। हम सब बस भाग रहे हैं सिचुएशन से, कोई से फेस नहीं करना चाहता। मैं भी तो भाग आया था ना यार, शायद इसलिए कि मेरे पास उनके जितनी पावर नहीं थी। ये कहने का नहीं, करने का वक्त है। पॉपकॉर्न, देख मैं तेरे नए कपड़े लेके आया। डॉक्टर ने इसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराने को कहा है। ओ तो फिकर ना कर पॉपी मेरे प्रा, तू हूं बिल्कुल चंगा हो जाएगा, ठीक है? और फिर एक इम्पोर्टेड इलायची वाली चाय झप्पी को मिलाएगा। भैया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझे मिलोगे और मेरी मदद करोगे। ग्राउंड फ्लोर। सोचा तो मैंने भी नहीं था यार कि मैं कभी यहाँ वापस आऊंगा। थैंक यू भैया। इट्स ओके। अच्छा हमारी एक मदद करेगा। मदद? हाँ। क्या भैया? तू सिर्फ मुझे उन लोगों के बारे में बता जिन्होंने तेरी ये हालत की है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन। हाँ पॉपकॉर्न हो गया। हाँ, बिल हो गया, क्लियर। अच्छा तू कुछ बता रहा था ना, बताओ। हाँ वो अपनी बुलेट दीदी है ना। बुलेट? हाँ। मैंने उन लोगों को उनके साथ बात करते हुए देखा है। बुलेट दीदी को? हाँ भैया, वो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी नेता बन गई। अच्छा अरे जप्पी चले यार। जाएंगे जीते हैं कैसे हम ये खुद खुद जीने वालों को सिखाएंगे, रास्ते अपने खुद बनाएंगे, कर दिखाएंगे ये मुमकिन, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, सच के सांचे में ख्वाबों को ढालेंगे, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन जीत लेंगे जहां, एक दिन। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नशा तो सिर्फ कुछ पलों का सुकून देता है लेकिन अपनों से और दूसरों से प्यार जिंदगी भर का सुकून देता है। कैसे हो? सुना है पुलिस वाले बन गए हो? हाँ लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचा। तुम्हें कॉलेज में देखकर लगता था कि तुम बाद में हफ्ता वसूली या गुंडागर्दी करोगी, अरे तुम तो नेतागिरी करने लगी। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है दोनों कामों में। ओ तभी शायद तुम अपने मतलब के लिए इन मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता इंस्पेक्टर साहब, आपके सबूतों की तरह।
वेल डन मिस्टर निदान, काफी पॉजिटिविटी है आपके गीतों में। देखिए हर चेहरे पे स्माइल है। थैंक्स डॉक्टर। यू आर वेलकम। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे भी मिली थी बाहर, सही में बैंड बजाई आज मैंने इसकी। बैंड बजाई मतलब? ये तो अक्सर यहाँ आती है, इनफैक्ट इन लोगों में से बहुतों को ये खुद यहाँ लेकर आई है। जो लोग अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते उनका पूरा खर्चा ये उठाती है। बहुत नेक काम कर रही है। लेकिन ये तो वोटों के लिए। अक्सर ये काम पॉलिटिशियंस पब्लिक के वोट के लिए मीडिया के सामने करते हैं, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं ये लड़की हमारी इतनी मदद कर रही है। एनीवेज आई हैव टू सी अदर पेशेंट्स, टेक केयर। थैंक्स डॉक्टर। Hey, hi. How are you? Hey, very well. Long time. Ooh, yeah. सुना है नेता वेता बन गई हो? हाँ, गुंडागर्दी का धंधा जो करना था तो सोचा कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने से दिल नहीं बदलता बुलेट। दिल की बात और तुम कर रहे हो। काश कभी मेरे दिल में झांक सकते, मेरे जज्बातों को समझ सकते, लेकिन दिल का हाल तुम क्या जानो। सब इंस्पेक्टर दिलजीत सिंह, पुलिस वाले हो ना, तुम्हें तो हर बात समझने के लिए गवाहों और सबूतों की जरूरत होती है ना? और हाँ, मेरे माँ प्यो ने मेरा सोना दन नौ रखी है, सिमरनप्रीत कौर। क्या अल्पना रखा है तूने चीजों का? देखो समझा समझा के परेशान हो, कितने बजे समझेगा तू अब? पता नहीं यार बड़े। ओए जप्पी पुत्तर। सस्तीकाल चाचा जी। पुत्तर इतने दिन बाद चाचा दी याद नहीं आती। सस्तीकाल चाचा जी। ओए होए जिंदा रहे पुत्तर, जिंदा रहे। सस्तीकाल चाचा जी। ओए होए अजय है, बड़े दिन बाद। आओ चलो उत्ते चल दे घर जाके बैठ दे। गोपाल ओए जिम दा उन ध्यान नाल है। आओ बच्चे आओ, बड़े दिन बाद आया। आ जाओ आ जाओ बच्चों, लांग आओ आ जाओ। मैं क्या गुप्पी जी, चार शाम गुप्पी जी? ये गुप्पी जी कौन है? आओ यार। लो जी आ गई गरम गरम चाय। सस्विकाल जी। यो। सस्विकाल जी। गरम गरम चाय नमकीन बिस्किट दे नाल। आईशा। लो जी। ओ यार तुम तो जानते ही हो, गुप्पी जी के वजन कम करने के चक्कर में मेरे जिम की एक एक मशीन कब्रिस्तान जाना शुरू होगी। मैं सोचा उससे अच्छा इसका वजन खुद ही उठा लो, मैंने शादी कर ली इसके साथ। ओ क्या था जी, जिम में पहले धीरे धीरे नजरें मिली, फिर दिल भी मिल गए जी। तो फिर क्या था, बन गए इस चड्डे दी चड्डी। सॉरी मेरा मतलब तो इस चड्डा। चल लिए चल जा अंदर उन पा जा, कुछ बना और बच्चे ले। शाबाश। हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई। अरे अजय एक बात बता, तू तो किधर बाहर ऑस्ट्रेलिया वगैरह गया था ना? हाँ पर छोड़ आया। क्यों क्या हुआ? वहां सब कुछ था बस सुकून नहीं था। सुकून तो पुत्र अब इधर भी कहाँ रहा है। नहीं अपना कॉलेज ही देख ले, हालात कितने बिगड़ गए। देखा चड्डा जी, और कहीं ना कहीं अपनी लाचारी भी नजर आई। कभी कभी तो दिल करता है कि पुलिस की नौकरी ही छोड़ दूं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ओए बेवकूफा, ना एक तेरे नौकरी छोड़ने से हालात सुधर जाएंगे। और पुत्र अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के बीच में रहना बहुत जरूरी होता है। बीच में रहकर ही तुम सिस्टम बदल सकते हो। अगर हर एक आदमी अपना अपना काम ईमानदारी से करे, करप्शन खत्म। एक्सक्यूज मी। कोई नहीं पुत्र सुन ले। हेलो सिस्टम बदलना है। यस स्पीकिंग। सिस्टम के बीच में रहना बहुत जरूरी होता है। ओके ओ ग्रेट। I'll be there, sir. I'll be there. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. यार मेरा प्रोजेक्ट एक बड़ी कंपनी को पसंद आ गया है।
सच में? और इसे इंडिया के किसी रूरल एरिया में डेवलप करना चाहते हैं। अरे वाह कमाल यार, मेरा ये रहा शाबाश, कमाल करती है भाई, बहुत जिंदा रहा पुत्र। दिस इज रियली फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। मिस्टर अजय, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हो रही है कि आपका टैलेंट अपने ही देश की डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। थैंक यू सर, शायद इससे मुझे भी प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। आई गॉट इट सलोनी, आई गॉट इट। क्या हुआ अजय, बताओ तो सही। तुम मिलो तो सही। हाउ रोमांटिक अजय, ये सब तुमने मेरे लिए किया? लेकिन बता तो सही, क्या गुड न्यूज देने वाले थे? सलोनी, आज मुझे मेरा खोया हुआ प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों वापस मिल गए। तुम नहीं जानते सलोनी, मैं कितना गिल्ट महसूस करता था अपने आप में। क्या तुम मेरा हाथ थामोगी जिंदगी भर के लिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ थामो। अरे पगली, बात तो एक ही है, चाहे मैं तेरा हाथ थामूं या तू। बात एक नहीं है, अगर अगर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी तो कोई मुसीबत आने पर मैं शायद तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, मुझे पता है तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। इश्क को जालिम हवा ना लगे, मेरे इश्क को जालिम हवा ना लगे, इश्क को जालिम हवा ना लगे।
सर क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या हुआ? लड़की को उठाकर चलती गाड़ी में बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की एक फैशन डिजाइनर है। ये हादसा तब उसके साथ हुआ जब रात को लड़की अपने घर वापस लौट रही थी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है पर अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। अगर आरोप साबित हो गया तो स्टोरी अच्छी बनेगी। आप फिक्र मत कीजिए मैम। आ गया। चल रहा है। चल। सर क्या ये बात वाकई सच है? चल। चल। सर क्या ये बड़े आरोपी हैं? चलो इसने। चलो 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 चलो। अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रिंग रोड पे चलती गाड़ी में हुए गैंग रेप में मुख्य आरोपी रणविजय द्विवेदी का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है रणविजय द्विवेदी चीफ जस्टिस सत्यवान द्विवेदी के बेटे हैं। एडवोकेट सिंगानिया सर, प्लीज।
अरे 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 ए हटो 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 सर 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 द्विवेदी साहब, आपके बेटे पर एक जघन्य अपराध का आरोप है, इस बारे में कुछ कहेंगे? चीफ जस्टिस साहब, अगर आपके बेटे पे इल्जाम साबित हो गया तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कानून के नजर में हर गुनाहगार बराबर है, पहले इल्जाम तो साबित होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। मिस्टर सिंघानिया, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप रणविजय की जमानत का इंतजाम जल्दी ही कीजिए, उसके साथ उसके दोनों दोस्तों की भी। अगर वो पुलिस के सामने बयान दे दिया तो सब कुछ खत्म। डोंट वरी सर, मैंने उनकी जमानत के पेपर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। 2 घंटे में रणविजय को मैं छोड़ा लाऊंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। डिड वी एवर डाउट योर कैपेबिलिटी? हम आपके हुनर पर पूरा भरोसा रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहिए। सर, वो एक मेरे केस की फाइनल हियरिंग है, एक्चुअली परसों, वो मीरा वाडिया का केस। हम जानते हैं, हम जस्टिस मिश्रा से बात कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप अभी हमारे बेटे की जमानत का इंतजाम कीजिए। राइट सर, जस्ट लीव इट टू मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। परफेक्ट, गुड बाय। बेल हो गई उस हरामजादे की। एडवोकेट सिंघानिया लड़ रहा है उसका केस, दिल्ली का हाई प्रोफाइल लॉयर है वो। भरोसा रख जपी, कानून है ना उसे सजा देने के लिए। यार क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है निदान, चीफ जस्टिस का बेटा है वो, तुझे क्या लगता है वो उसे सजा होने देगा? कानून सबके लिए बराबर होता है जप्पी, अदालत उसे सजा जरूर देगी, घंटा सजा देगी उसे। बात करता है। अजय, तू कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, माँ का फोन आया था। घर? घर जा रहा है या सिचुएशन से भाग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देख अजय, दोस्त तू, मैं तेरा, तुझसे ज्यादा जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बहुत प्रैक्टिकल हो गया ना तू ऑस्ट्रेलिया जाके। क्या बकवास कर रहा है तू? देख, मुझसे बेहतर तेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता मेरे भाई। उन लोगों ने तो सिर्फ उसके शरीर के साथ बलात्कार किया, लेकिन लेकिन तू इस तरह का बर्ताव करके उसकी उसकी आत्मा के साथ बलात्कार कर रहा है मेरे भाई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सलोनी, सलोनी, छोड़ दो मुझे, दूर रहो मुझसे। सलोनी मैं, सलोनी मैं, अजय, सलोनी मैं, अजय, अजय सलोनी, अजय सलोनी, फॉरगेट एवरीथिंग सलोनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं भी भूलना चाहती हूँ, लेकिन आंखें बंद करती हूँ वही चेहरे सामने आ जाते हैं, जैसे फिर से मुझे नोच नोच के खा जाएंगे।
मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई एम ऑलवेज विद यू। मेरे जिस्म की सब रगों में तेरी चाहते दौड़ती है, मरने से पहले आशिकी ये पीछा कहाँ छोड़ती है, मेरे नाम तेरी आशिकी कर दे बेरंग जिंदगी में रंग भर दे। मरहबा मरहबा तेरा इश्क मरहबा, मरहबा मरहबा तेरा इश्क मरहबा, मरहबा मरहबा तेरा इश्क मरहबा। आज हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, जहाँ पे रिंग रोड गैंग रेप कांड की सुनवाई चल रही है। महत्वपूर्ण बात तो यह है, रणविजय द्विवेदी जो मुख्य आरोपी है इस कांड के, वो सत्यवान द्विवेदी चीफ जस्टिस के बेटे हैं। कोर्ट ने इस केस का क्या फैसला सुनाया? पूरा देश इस केस के फैसले का इंतजार कर रहा है। सर, क्या कोर्ट ने रणविजय और उसके साथियों को प्रोसिक्यूट किया है? देखिए, मिस्टर रणविजय के खिलाफ सारे इल्जाम अदालत में बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। गाड़ी उनकी होने से वो अपराधी नहीं ठहराए जा सकते। इनफैक्ट हादसे की रात ड्राइवर उनकी गाड़ी ले गया था उनको बगैर बताए, और उस रात से वो फरार है। ओ, तो आपका मतलब है कि रणविजय बेकसूर है? Absolutely, बिल्कुल। बल्कि जिस लड़की ने उन पर रेप के एलिगेशन लगाए हैं, वो खुद उस रात नशे में धुत थी। उसको पहचानने में गलती हुई है और बाकी का काम पुलिस का है। ओके, लेट्स गो। आओ सिमरन, मैं सच कह रही हूँ, ये वही लोग हैं। मैं झूठ नहीं मुझे बोल पता रही। है मुझे पता है तू मुझे पता है तू सच बोल रही है। हाँ मुझे पता है, तेरे को लगता है हम छोड़ देंगे लोगों को? हाँ सिमरन, तुम इसको लेके अंदर जाओ, इसका ख्याल रखना। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है सर, कोई नहीं, कोई नहीं, चल चल जब भी, कोई नहीं, चल चल समय मिल गया घर आने का, और ये किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है कि नहीं? माँ, मैं उसे ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके माँ बाप मर गए क्या? वो लोग क्यों नहीं सामने आते? आए दिन दिल्ली में रेप होते रहते हैं, तो क्या तुम सबको सहारा देने पहुंचोगे? औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता माँ, पर हाँ सलोनी को भी जरूरत है मेरी। तो क्या हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी? अरे हमारे बाद हमारी पोजीशन को कौन संभालेगा? तुम ही ना। ओ माँ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, ये नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, प्लीज सर, आप ये केस 100% जीतोगे सर। प्लीज, अरे सर, हो ही नहीं सकता यार, समझा करो। एक बार चेक तो कर लीजिए सर। अरे मैंने कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता ये। एडवोकेट भाटिया ने भी केस लेने से मना कर दिया। देख लिया अदालत का फैसला, बहुत भरोसा था ना तुझे इस कानून पर? इस कानून को यहाँ हर रोज बिकते हुए देखता हूँ मैं। ये तो अन्याय की हद है, जुडिशरी का इतना घिनौना रूप निदान। सिमरन, जिस देश की समझ लो, वो देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या होगा? ओ होना की है, छड्डा गानी ना तना साल्यानु, जान तो मार देगा। होश में आ जप्पी, होश में आ, कम से कम हमें तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और हम इस तरह कानून के खिलाफ नहीं जा सकते मेरे। हाँ, भाई किस कानून की बात कर रहे हो? उस कानून के जो की तरह बाजार में बिक गया। अगर आज पूरा यूथ इकट्ठा हो गया ना, तहस नहस कर देंगे पूरे सिस्टम को। सिमरन, कानून नहीं बिका है, कानून का पालन करने वाले बिक गए हैं। और
और सिस्टम करप्ट नहीं है, सिस्टम को चलाने वाले करप्ट है भाई। तो तोप से उड़ा क्यों नहीं देते इन हरामजादों को? क्योंकि उन्हें हमने ही नियुक्त किया है, और उन्हें हटाने से नहीं उन्हें जगाने से काम बनेगा। तो तू क्या चाहता है, हाथ में डंडा लेकर इनके घर के बाहर चिल्लाए जागते रहो जागते रहो? नहीं जब्बी, हमें उन्हें ये बताना है कि आज का युवा सिर्फ बाजुओं से ही नहीं दिमाग से भी ताकतवर है, और उनके दिमाग में तो दही जमी हुई है। जब्बी कोई तो बात सीरियसली लिया करो, निदान इज राइट, अब हमें दिमाग से कुछ करना होगा। तो इस बंदे को भी कोई सीधा सीधा समझाओ यार। देख जब्बी, अगर आज हम में से कोई उस न्याय की कुर्सी पर बैठा होता ना, तो इस सलोनी को जरूर इंसाफ मिलता। लेकिन हम सिर्फ इसलिए लाचार हैं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है। आज हम में से कोई भी राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे हिसाब से राजनीति में सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो आगे बढ़ो, पावर को अपने हाथ में लो और मिटा दो ना इस भ्रष्टाचार को। एक नई शुरुआत करने अपने करियर की। देखो बेटा, हम माँ हैं तुम्हारी, हमें भी तो हक है तुम्हारे बारे में सोचने का। हमारे बेटे होकर तुम ये नौकरी करो, हमें ये गवारा नहीं। माँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने टैलेंट को अपने देश के डेवलपमेंट में लगाकर देशवासियों की सेवा कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी तो मुझे यही सब करना था ना माँ? हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन राजनीति हमारा ट्रेडिशन भी है। तुम्हारे नाना जी के बाद हमने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, और हमारे बाद तुम्हें ही तो इसे आगे बढ़ाना है। माँ ये देश सेवा है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं जो आपने गद्दी छोड़ दी और मैं उस पे बैठ जाऊं। एक पॉलिटिशियन का खून हो जाने से मैं पॉलिटिशियन नहीं बन जाऊंगा माँ। तो क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाने दे पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को? माँ इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका भार ऐसे कंधों पे डालिए जो इसके काबिल हो। निदान जैसे लोग हैं माँ, जो लोगों का दर्द समझते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने दो माँ, बल्कि उनको सपोर्ट करो। चलता हूँ माँ। अजय, इस वारदात को लेकर राजधानी के कई इलाकों से लोगों की काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महिला और छात्रों में इस निंदनीय घटना के प्रति काफी रोष देखा जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये मेरी बेटी है, एक साल पहले मेरे ही दो किराएदार इसका बलात्कार करके भाग गए, तब से सदमे में है, न हंसती है न बोलती है। मैं कहती हूँ ऐसे कमीनों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए, और उनको मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। यार ये खुली आंखों से अन्याय होते नहीं देख सकते हम लोग? हाँ, हम कल इस सारी दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सिमरन ठीक कह रही है, प्रेशर आएगा सालों के ऊपर तो लाइन पे आ जाएंगे साले। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? हालत देखी तुमने सलोनी की, घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है उसे। तुम लोग प्रदर्शन करोगे और वो लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे इंजाम लगाएंगे उस पे। वो नहीं सह पाएगी, और किस किस को समझाओगे तुम लोग? तो क्या करें, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल अजय चल। अरे व्हिस्की थक गया यार। मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी, मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी, मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी। वन मैथिनी प्लीज। मेक इट टू फॉर बोथ। By the way, excuse me. Beautiful, Aiza. Thanks. Welcome. शायद आप अकेले आई हैं। आपके फ्रेंड साथ में नहीं हैं? If you don't mind, you can join us. I'm with my friends. Excuse me. Do I know you? पांच मिनट दीजिए।
जान पहचान भी हो जाएगी क्यों? आई लाइक योर कॉन्फिडेंस. अच्छा बट आई लाइक यू. थैंक्स. चले या श्योर. मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी. मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी. मुंडिया नु मार गई सर चौप सोनी कुड़ी. अरे भाई ये तो इज्जत की मां बहन करके चली गई. रणविजय से पंगा महंगा पड़ेगा. ये क्या पागलपन किया तुम लोगों ने? हाँ पागलपन नहीं है, इंसाफ है ये हमारा. और उन मां के लाडलों को सबक भी तो सिखाना था. तू ही तो कहता था दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ. ले लगा दिया सरदार ने दिमाग. मेरी किस्मत में ही लिखी है ऐसी नालायक औलाद. सोचा था बिन मां की औलाद है, लाड प्यार से पाला, हर सुख सुविधा दी. तुम इस तरह गिर जाओगे मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी. हद होती है याशी की भी. डैडी मुझे नहीं पता था ये सब कुछ प्री प्लान होगा. लड़की को उठाने का प्लान तो तुमने ही किया था ना. लोग अपने गलतियों से सीखते हैं और तुम हो जो उसी गलती को फिर से दोहरा रहे हो. डैड स्टॉप गेटिंग एंग्री. जस्ट सेव अस. यस अंकल प्लीज सेव अस. शट अप नालायक. तुम ही गुमराह किया था इसके साथ, वरना ऐसे गलती वो कभी नहीं करता. Dad, we were just drunk. हो गई गलती. Just drunk? अरे हो गई गलती Dad. शुक्र है जज साहब, आपके लाडले ने गलती मान तो ली. चलो रणविजय, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है. Arrest them.
दिखा दो उन लोगों को कि आज का युवा जोशीला ही नहीं बल्कि समझदार भी है। आज का युवा क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। उसे इतना भी मजबूर मत करो कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए। अगर आज हमने इस सिस्टम को सुधारने की पहल की ना, तो इन लोगों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। चलिए आइए। चले चल। कि हम अपने देश की जिम्मेदारी अपने युवा कांधों पर ले। आगे बढ़िए और बदल डालिए इस बूढ़े और बीमार सिस्टम को। Keeping all the witnesses and witnesses in concern, the court found Mr. Ranvijay Trivedi, Daksh Malhotra and Vivek Sharma guilty for abducting Miss Asmita and raping her brutally. Keeping in concern the seriousness of the crime, court prosecutes all the three culprits an imprisonment of 10 years with the fine of... रुकिए योर ऑनर, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ कहने की परमिशन चाहती हूं। परमिशन ग्रांटेड। सर, जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है, कभी सोसाइटी के बहिष्कार के रूप में, तो कभी परिवार और रिश्तेदारों के तानों के रूप में। लेकिन ऐसा क्यों कि इस हालत में पहुंचाने वाले इन ही अपराधियों को बस कुछ साल की सजा? क्या इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरत की इज्जत और असमत की कीमत केवल इतनी सी? क्या ये वाकई हमारे कानून की जीत है? मैं इस कानून को नहीं मानती। आप प्लीज इन तीनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपना केस वापस लेती हूं। आपको जस्टिस सत्यवान द्विवेदी ने धमकाया हो? ताक देनी पड़ेगी आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन की। कानून औरत की इज्जत को चंद सालों में तोलता है, तुम लोग चंद पैसों में। लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि उन लोगों को सजा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चाहती आखिर आप? क्योंकि उनको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है। क्या सजा मिली है? ये रहा उनकी सजा का फरमान। क्या है इसने सजा दी है? Oh my God, it's unbelievable. इस कोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट है जहां इन लोगों के केस का फैसला हो चुका है, और अब इन लोगों की लाइफ की तो बैंड बज चुकी है।
क्या है ये? कैसी सजा है ये? किसने दी ये सजा? इनके बुरे कर्मों ने। और ये सजा ऐसी है जो इन्हें 10-20 साल नहीं पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। इनफैक्ट जिंदगी नहीं पीढ़ियों तक ये सजा भुगतनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कैन आई सी व्हाट काइंड ऑफ अ पनिशमेंट इज दिस? क्या हुआ अंकल? अरे भागो, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। शी इज एचआईवी पॉजिटिव। एड्स है इसे। यू ब्लडी इडियट्स। इन लोगों का हर्ष देखकर हर बलात्कारी किसी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर, कहीं उस लड़की को एड्स तो नहीं। बात का ऐलान करते हुए कि निदान हमारी पार्टी के नव निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अच्छा आचरण इंसान को संसार में श्रेष्ठ बनाता है। दूसरों के प्रति सद्भावना रखना परम धर्म है। प्रणाम गुरुजी। सदा खुश रहो। गुरुजी ये भावना जी हैं, आपसे अध्यात्म की दीक्षा ग्रहण करना चाहती हैं। अभी हमारे विश्राम करने का समय है। संध्याकालीन इनसे अपने कक्ष में पुनः भेंट करेंगे। तब तक इन्हें अतिथि गृह में ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। आप आइए मेरे साथ। हसीन चाहतों का
हसीन चाहतों का मैं शबाब रखता हूँ। सलोनी तेरी राह में, सलोनी तेरी चाह में, सलोनी तेरी राह में, गिन 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 के दिन मैं गिनता हूँ। शराब रखता हूँ, हसीन चाहतों का मैं शबाब रखता हूँ। सलोनी तेरी राह में, सलोनी तेरी चाह में, सलोनी तेरी राह में, गिन 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 के दिन मैं गिनता हूँ।